हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर विजर्डिंग वर्ल्ड की हिस्ट्री के कॉन्फ्लिक्ट की, जिसे फर्स्ट विजर्डिंग वॉर के नाम से भी जाना जाता है। वो समय जब वोल्डेमॉर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल डार्क विजर्ड माना जाता था और पूरा ब्रिटेन उससे डरता था। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू BG लेजेंड गेमिंग, सिद्धेश शिवलकर, कुणाल कुरे, प्रतीक जाधव, राज स्का, जेनिक्स ब्लू गेमिंग, हैरी पॉटर फैन बिग बिग बिग, योर मेडिकोस लाइब्रेरी, जशांक, AQ फेनिक्स, निखिल शौकीन, नितिन मित्तल, आइनिक्स ओपी, हिमांशी नैनवाल, विशाल गुप्ता, सौमिली पाल, IM हिटलर, भारत भूषण, पीयूष राठौड़ फ्रॉम हफलपफ, सीरियस ब्लैक फ्रॉम स्लिदरिन, सहाकर व्लॉग्स फ्रॉम स्लिदरिन, सरबरता प्रमाणिक फ्रॉम ग्रिफिनडोर, प्रवीण कुमार फ्रॉम ग्रिफिनडोर, नम्रता गिरमे फ्रॉम ग्रिफिनडोर, गौरव आहिर फ्रॉम रेवनक्लॉ, विक्रम पवार फ्रॉम रेवनक्लॉ एंड शिवम सिंह फ्रॉम रेवनक्लॉ। थैंक यू सो मच पॉटर्स फॉर बिकमिंग द चैनल मेंबर। अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन आइकन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो फर्स्ट विजर्डिंग वॉर की शुरुआत 1940 से हो गई थी, पर ऑफिशियली 1970 से 1981 इसका पीक टाइम माना जाता है, जब 31 दिसंबर 1926 में एंटी सोशल डिसफंक्शनल गॉन्ट फैमिली की लास्ट लड़की ने लव पोशन का यूज करके एरिस्टोक्रेट टॉम रिडल सीनियर से टॉम मावोलो रिडल को जन्म दिया। एक तरह से तभी सीक्रेटली ये वॉर शुरू हो गया था। उसी दौरान सीक्रेट विजिटिंग वर्ल्ड में एंटी मगल सेंटीमेंट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जोरों शोरों से बढ़ रहा था। कई लोगों का मानना था कि इसकी शुरुआत खुद गैलेट ग्रिंडेवाल्ड ने की थी, डंबलडोर के बचपन के दिनों का दोस्त, जो मगल पर हुकूमत करके विजिटिंग कम्युनिटी को फुल पावर से एस्टेब्लिश करना चाहता था। पर डंबलडोर ने यह रास्ता बहुत पहले ही छोड़ दिया था, पर ग्रिंडेवाल्ड ने अपने चार्म और मैनिपुलेशन स्किल से इस काम को आगे बढ़ाए रखा। 1940s के दौरान खुद डंबलडोर ने ही उसे रोक दिया था। दोनों में एपिक ड्यूलिंग हुई थी, जिसके अंत में ग्रिंडेवाल्ड को उसी के बनाए जेल नमंगार्ड में कैद कर दिया गया और डंबलडोर एल्डर वॉन्ड के मालिक बन गए थे। 1927 के दौरान ही मैजिकोलॉजिस्ट न्यूट स्कैमेंडर की फाइनली बुक भी छप गई थी, फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम, और ग्रिंडेवाल्ड को दो बार पकड़ने के कारण वो एक नेशनल सेलिब्रिटी भी बन गया था। 1930s के दौरान मैजिकल हिस्टोरियन कैंटेंकरस नॉट ने एक बुक पब्लिश की थी, प्योर ब्लड डिक्शनरी, जिसमें उसने 28 उन शुद्ध खून परिवार के बारे में बताया था जो प्योर ब्लड फैमिलीज थी ग्रेट ब्रिटेन की। उसने ही ब्लड स्टेटस भी डिसाइड किया था, जिसमें ब्लड ट्रेटर्स और मड ब्लड जैसे टर्म भी यूज किए थे। हालांकि उसमें उसने कुछ प्योर ब्लड फैमिलीज को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि उसके कुछ विजर्ड्स या विच ने मगल बॉर्न या हाफ ब्लड से शादी कर ली थी, जैसे पॉटर फैमिली, स्कैमेंडर फैमिली और डंबलडोर फैमिली। टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट 1938 में विजर्डिंग वर्ल्ड से जुड़ गया था, जब उसका एडमिशन हॉगवर्ट्स स्कूल में हो गया था। हालांकि जल्दी ही डंबलडोर, जो खुद उसे स्कूल लेकर आए थे, उसके सीक्रेटिव विंडिक्टिव आइडियोलॉजी को और उसके नेचुरल पावर को जान गए थे, जो कि एक पासल टंग था। टॉम का सिलेक्शन स्लिदरिन में हो गया था, और उसके स्कूल डेज के बारे में हमने पहले ही उसकी हिस्ट्री वाले वीडियो में जान लिया है। ब्रिलियंट टॉम काफी फेमस था स्कूल में, और उसके मैनिपुलेशन स्किल्स और अट्रैक्टिव लुक से काफी लोग चार्म थे। उसने अपने स्कूल डेज में अपने कुछ चमचे दोस्त बना लिए थे, जैसे एवरी एंड लेस्ट्रेंज। ये सब प्योर ब्लड फैमिली से थे और इस पर घमंड करते थे। हालांकि टॉम खुद तो एक हाफ ब्लड था, पर उसने सबको ऐसा जताया कि वो प्योर ब्लड है। जब टॉम ने अपनी फैमिली का पता लगाने की कोशिश की तो रिडल सरनेम से उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने मावोलो नाम से ढूंढना शुरू किया और उसे अपने गॉन्ट फैमिली से रिलेशन के बारे में पता चल गया, और उसने अपने लिए एक नया नाम सोचा ताकि जल्दी ही वो रिडल नाम के फिल्थी मगल सरनेम को छोड़ सके, साथ ही मोस्ट कॉमन नेम टॉम भी। और उसने लेटर्स को रीअरेंज करके IM लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट यानी खुद का लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नाम रखा। पर एज ए स्टूडेंट सिर्फ उसके क्लोज्ड वंस ही उसका ये नाम जानते थे। उसने स्कूल में रहकर कई काम किए, जैसे हॉक्रक्स बनाना, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स ढूंढकर बेसिलिस्क को मगल बॉर्न बच्चों पर छोड़ना, जिसमें मॉर्निंग मार्टल मारी भी गई थी, हैग्रिड को दोषी बताकर खुद स्पेशल अवार्ड जीतना। फिर स्कूल के बाद उसने बोगिन एंड बॉक्स में काम करना शुरू किया, और इस दौरान भी उसने कई लोगों को मारा। ये सब हमने वोल्डेमॉर्ट वाले वीडियो में जान ही लिया है, इसलिए इसे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब वोल्डेमॉर्ट अपने हॉक्रक्स बना चुका था और वोल्डेमॉर्ट नाम से फेमस भी हो चुका था, अमांडो डिपेट ने उसे हॉगवर्ट्स में पढ़ाने से मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम वोल्डेमॉर्ट की एज बहुत ही कम थी।
उस दौरान वोल्डेमॉर्ट एशिया के कई पार्ट में घूमा और डार्क आर्ट्स को एक्सप्लोर करता रहा और उसका मानना था कि वो किसी भी डार्क विजर्ड से इस फील्ड में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था। हॉर्क्रक्स बनाने से उसके फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत चेंजेस आ चुके थे और अब उसके साथ ही उसके चमचे या सर्वेंट्स जो भी कहा जाए डेथ ईटर नाम से जाने जाने लगे। 1968 के दौरान वोल्डेमॉर्ट ने एक हुडेड क्लोक पहनना शुरू कर दिया था और अब वो पूरे विजिटिंग कम्युनिटी पर राज करना चाहता था। उसके सपोर्ट में मैक्सिमम वो लोग थे जो मगल या मगल बॉर्न विच या विजर्ड को नीचा मानते थे और उन्हें दुनिया से खत्म करना चाहते थे। कई लोग उसके थॉट्स से, कई उसके पावर और बातों से और कई डर से उसका साथ देने लगे। सिर्फ इंसान ही नहीं, जायंट्स और वेयरवुल्फ तक उसके सपोर्ट में थे। न जाने कितने लोगों को वोल्डेमॉर्ट और उसके साथियों ने मारा, जिसमें से हजारों को तो सिर्फ वोल्डेमॉर्ट ने ही एक हॉर्क्रक्स की सुरक्षा के लिए इन्फेरी बनाकर पहाड़ की गुफा के झील में रख दिया था। 1965 के दौरान वोल्डेमॉर्ट और उसके साथियों ने और आतंक फैलाना शुरू कर दिया, जिस बीच वो वापस हॉगवर्ट्स आकर टीचर बनना चाहता था ताकि वो और भी बच्चों को अपने ग्रुप में ले सके, पर क्योंकि अब हेडमास्टर डंबलडोर थे उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। वोल्डेमॉर्ट के लोग अब मिनिस्ट्री में भी घुस चुके थे। वेयरवुल्फ जैसे फेनरी ग्रेबैक, जिसके खिलाफ दो बच्चों को मारने का केस चल रहा था, बदला लेने के लिए उसने मिनिस्ट्री के बेस्ट एम्प्लॉय लायल ल्यूपिन के बेटे रीमस को भी काट लिया, जिससे रीमस ल्यूपिन भी वेयरवुल्फ बन गए। अब डंबलडोर आगे आए और उन्होंने इन सब का सामना करने की ठानी और एक टीम बनाई जो वोल्डेमॉर्ट और उसके साथियों के खिलाफ लड़ सके और मगल्स और मगल बॉर्न राइट के लिए लड़े। उन्होंने कई बड़े कानून बनवाए, डार्क फोर्सेस के खिलाफ सिक्योरिटी बढ़वाई, कई नए रूल्स और रेगुलेशन लेकर के आए, जिस कारण वोल्डेमॉर्ट के मन में डंबलडोर के लिए बहुत नफरत बढ़ गई। 1970s के दौरान वोल्डेमॉर्ट खुलकर सामने आ गया, खुद को डार्क लॉर्ड कहलवाने लगा, अपने नाम पर जिंक्स कर दिया कि कोई भी अगर वोल्डेमॉर्ट का नाम लेगा उसे तुरंत पता चल जाएगा और वो ये मानेगा कि नाम लेने वाला उसका दुश्मन है और उस इंसान को तुरंत मार डाला जाएगा। इस कारण लोग उसे यू नो हु, यानी तुम जानते हो कौन नाम से कहने लगे। सबके मन में खौफ बैठ गया कि वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ जाना खुद के लिए या अपने परिवार के लिए जानलेवा साबित होगा। इंपेरियस कर्स का यूज करके मिनिस्ट्री भी इम्बैलेंस हो चुकी थी। ऑगस्टक रुकवुड, एक अनस्पीकेबल, ने खासकर डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में अपने सीक्रेट नेटवर्क बना लिया था। 1971 के दौरान डंबलडोर ने आखिर एक टीम बना ली जिसे ऑर्डर ऑफ फीनिक्स का नाम दिया गया, जिसमें वो लोग थे जिनके परिवार वालों को वोल्डेमॉर्ट ने मारा था या टॉर्चर किया था। पावरफुल मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स जैसे एल्फियस डोज और डिडिलस डेगल थे। पावरफुल ऑर्डर्स जैसे एलास्टर मूडी और लॉन्ग बॉटम्स थे। इसके अलावा वीजली एंड प्रिवेट फैमिली भी थी, या तक कि काला बाजारी करने वाला मनंगस फ्लेचर, जिसे डंबलडोर ने एक बार बचाया था, वो भी ऑर्डर फिनिक्स में आ गया था। मैगोनिकल बिल्ली के रूप में स्पाई का काम करती थी। साथ ही नौजवान जेम्स पॉटर, लेली इवांस, रीमस ल्यूपिन, सीरियस ब्लैक और पीटर पेटिग्रू भी थे, जो हाल ही में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके स्कूल से निकले थे। इसके अलावा हैग्रिड, पॉटमोर, डंबलडोर के भाई एबरफोर्थ और खुद एल्बस डंबलडोर भी थे। एल्बस ने ही उन सभी को बोलने वाला पेट्रोनस बनाना सिखाया ताकि वो सब आपस में कम्युनिकेट कर सके और किसी को पता भी ना चले। पर बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी वोल्डेमॉर्ट की ताकत बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के कई लोग भी मारे गए, जैसे एडगर बोन्स, एमिलिया बोन्स का भाई, क्रेडोक डियरबॉर्न जिसके शरीर तक नहीं मिला, बेंजी फेनविक जिसके सिर्फ चीथड़े मिले, मार्लेने मैकिनॉन जिसके पूरे खानदान को ही मार डाला गया था, डॉर्कस मिडोज जिसे खुद वोल्डेमॉर्ट ने मारा, फेबियन और गिडियन प्रुएट जो कि मॉली वीजली के भाई थे, जिन्हें डोलोहोव ने 5 डेथ ईटर्स के साथ मिलकर मारा था। और वहां ही अब वोल्डेमॉर्ट की टीम में इतने लोग थे कि उनमें से कई लोगों ने खुद तो वोल्डेमॉर्ट को कभी देखा तक नहीं था, किसी को उसकी असली आइडेंटिटी नहीं पता थी, या तक कि वो दूसरे डेथ ईटर्स तक को नहीं जानते थे। सारे वोल्डेमॉर्ट के सपोर्टर्स डेथ ईटर्स थे भी नहीं, सिर्फ जिनके हाथ में डार्क मार्क दिया गया था वही डेथ ईटर्स कहे जाते थे, जो वोल्डेमॉर्ट के इनर सर्कल के लोग थे, जैसे मैलफॉय, एवरी, क्रैब, गॉयल, स्नेप, मुलसिबर, मैकनेयर, बेलाट्रिक्स, रेगुलस ब्लैक, सेल्विन, राउल, डोलोहोव, ट्रेवर्स एंड बार्टी क्राउच जूनियर। स्नेप के कहने पर वोल्डेमॉर्ट ने मगल बॉर्न होने के बावजूद टैलेंटेड होने के कारण लिली इवांस को रिक्रूट करने की कोशिश की थी। साथ ही उसके ब्लड ट्रेटर बॉयफ्रेंड जेम्स और उसके प्योर ब्लड दोस्त और रेगुलस के भाई सीरियस को भी, वेयरवुल्फ ल्यूपिन और पीटर पेटिग्रू को भी, पर सभी ने मना कर दिया कि वो उसका साथ नहीं देंगे। हालांकि पीटर ने उसे बाकियों को बताए बिना ज्वाइन कर लिया था।
ये डेथ ईटर्स जब भी किसी को मारते थे तो उस जगह के ऊपर आसमान में डार्क मार्क बना देते थे ताकि दूर तक खौफ फैले कि किसी को मार डाला गया है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑर्डर ऑफ फीनिक्स हार रही थी कि तभी प्रोफेसी हुई जिसे स्नेप ने सुनकर वोल्डेमॉर्ट को बता दिया, जो दो बच्चों हैरी और नेविल पर वैलिड हुई। वोल्डेमॉर्ट, जिसे सबसे इम्पोर्टेंट अमर होना लगता था, अपनी अमरता के रास्ते आने वाली हर चीज को हटाना चाहता था, इसलिए उसने हाफ ब्लड स्टेटस के कारण हैरी को चुना और बहुत कोशिशों के बाद भी पीटर की गद्दारी के कारण जेम्स और लिली मारे गए। हैरी बच गया और वोल्डेमॉर्ट का शरीर चला गया और लोगों ने मान लिया कि वो मर गया है और उसकी मौत के साथ ही फर्स्ट विजार्डिंग वर्ल्ड का डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके सपोर्टर्स को पकड़कर अज़्काबान भेजा जाने लगा, यहाँ तक कि उन्हें मार डालने तक को लीगल घोषित कर दिया गया। कई पकड़े गए, कई मारे गए, कई झूठ बोलकर कि वो कर्ज के चलते वोल्डेमॉर्ट का सपोर्ट कर रहे थे सबूत न होने के कारण बच गए, जैसे मैलफॉय फैमिली। और इस तरह फर्स्ट विजार्डिंग वॉर खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी बात फर्स्ट विजार्डिंग वॉर की और ऑर्डर ऑफ फीनिक्स की। आपका क्या सोचना इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।